एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो ईसीएस रिटर्न बल्गेरिया का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा प्लोडी वर्स इंडो बल्गेरियन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है आपको पूरा वॉच करना है। यहाँ पर आपको इंडो बल्गेरियन के हर प्लेयर का स्टैट्स मिलेगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब आप सोचोगे भाई ज्वाइन करना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी न्यू प्लेयर्स खेलते हैं उनके स्टैट्स मिलते हैं, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर जो कि आता है वो भी आपको यहीं पर मिलता है, और उसके अलावा फाइनल टीम भी आपको यहीं पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। एक तो देखो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से इजीली ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन होना है तो आप टाइटल पर क्लिक करोगे जैसे मोर पर, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन पर से ज्वाइन होना है तो कमेंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट रहेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि उससे मोटिवेशन बना रहता है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं मैच के बारे में। तो ये मुकाबला 1 बजे स्टार्ट होगा, आर्टिफिशियल विकेट है, कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं, सारी चीज़ें सेम है। पहले बात कर लेते हैं इंडो बल्गेरियन की टीम की। तो इनकी टीम का पहला मुकाबला है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ओपन करने चाहिए बख्तियार ताहिरी और उनके साथ में माइक जोन्स, दोनों ही बहुत अच्छे सीबीसी के चॉइस हैं। बख्तियार ताहिरी का आप रिकॉर्ड देखो, ओवरऑल 21 T10 में 652 रन, 21 विकेट है 37 ओवर डाल के, जबकि 2022 के अंदर 6 मैच में 73 रन, 4 विकेट है 9 ओवर डाल के। मतलब ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करता है। माइक जोन्स आएंगे 10 T10 में 323 रन, 14 विकेट है 16 ओवर डाल के, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं और बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं। प्रकाश मिश्रा बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, 37 T10 में 735 रन, 32 विकेट है 2023 के अंदर, 4 मैच में 46, 3 विकेट है 6 ओवर डाल के। रोहित धीमन है 27 T10 में 147 रन, 19 विकेट है 50 ओवर डाल के ओवरऑल, और 2023 में 4 मैच में 7 रन, 1 विकेट है 4 ओवर डाल के। हालिया फॉर्म इनका थोड़ा सा खराब है, अदरवाइज प्लेयर ये भी अच्छा है। फिर यहाँ पर आएंगे रोहित सिंह जिनके नाम 23 T10 में 20 रन, 5 विकेट है 15 ओवर डाल के, और 2022 में 7 मैच में 0 विकेट है, उतना खास रिकॉर्ड इनका है नहीं। गगनदीप सिंह के नाम 37 T10 में 194 रन है और 7 के साथ 23 विकेट हैं, 54 ओवर डाल के, और 2023 में 4 मैच में 0 विकेट है। भले ही विकेट लेस रहा हो लेकिन ये दो दो ओवर डालने वाला बॉलर है। साहिल कुमार ने 2 T20 के मैच खेले हैं क्लब लेवल पर जिसमें 2 विकेट है 4 ओवर डाल के। शफकत खान सिर्फ विकेट कीपिंग करता है, 29 T10 में 40 रन है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड इसका है नहीं। राकेश यादव यहाँ पर पहली बार खेलेंगे, 93 मैच खेले हैं, ओवरऑल 1010 रन और 96 विकेट इनके नाम है 295 ओवर डाल के। सूरज नेगी है, इनका भी काम सिर्फ बैटिंग का है, 26 T10 में 50 रन है। और अर्जुन धीमन 2 T10 के मुकाबले खेले उसमें 1 विकेट है 1 ओवर डाल के, ओवरऑल 15 मैच में 8 विकेट है 16 ओवर डाल के, तो ज़्यादा बॉलिंग इनको भी नहीं मिलती। यहाँ से आप पिक कर सकते हो बख्तियार ताहिरी, माइक जोन्स, प्रकाश मिश्रा, इनके अलावा रोहित धीमन है, और नीचे से यहाँ पर गगनदीप सिंह है, और इनके अलावा एक और प्लेयर अगर आप रखना चाहो तो आप राकेश यादव के साथ जा सकते हो। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स आप देख लो तो रोमन ललोत्रा हैं, इनके नाम 1 T20 के मैच में 2 विकेट है 2 ओवर डाल के। लवेश शर्मा T10 के 3 मैच में 0 विकेट है, और ओवरऑल भी इन्होंने जो डोमेस्टिक लेवल पर मैच खेले वहाँ पर भी 12 मैच में डिड नॉट बैट है। प्रशांत वर्मा 1 T10 के मैच में डिड नॉट बैट है, जबकि ओवरऑल 13 मैच में 8 विकेट है 17 ओवर डाल के। एंड्रियान दनबर अगर ये खेलता है तो ये भी ओपनर है, ध्यान रखना। और T10 का तो इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 16 मैच 157, लेकिन T20 इंटरनेशनल के अंदर 17 मैच में 599 रन है, तो बहुत अच्छा प्लेयर है। ईशान डिसिल्वा के नाम 27 T10 में 422 रन है, ये भी ओपनिंग कर सकता है, 6 मैच में 87 है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बैटिंग ऑर्डर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे ही दूंगा, तो लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। निकोलाया और ननकोवो इसके नाम 18 T10 में 7 विकेट हैं और 2022 में 6 मैच में 0 विकेट है। अनंत भूषण और कलंदर मोहम्मद दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिले। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि प्लोडिव की टीम की। इनकी टीम का ये दूसरा मैच है और लास्ट के 6 जो मैच हुए हैं उनमें से इनकी टीम 3 जीती है 3 हारी है। आज के दिन का इनका ये दूसरा मुकाबला होने वाला है। मोहम्मद सूफियान और जैन आसिफ ओपन करने चाहिए। मोहम्मद सूफियान के नाम लास्ट के 6 मैच में 7 विकेट है, बल्ले से 22, 18, 23, 39 नॉट आउट, 16 और 19 है।
जैन असीफ के नाम लास्ट के 6 मैच में 3 विकेट है और बल्ले से 41, 5, 42 नॉट आउट, 44, 49, 19 है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। फैजान रहमान लास्ट के 3 मैच में विकेट लेस है लेकिन उससे पहले अच्छा किए हैं, 6 मैच में टोटल 4 विकेट है, बल्ले से 1-30, 1-4 हैं। रोहान मकुदुमी 25-34 नो डाउट, 9 बैटिंग, 2-18 हैं, अगर इसको मौका मिलता है तो कंट्रीब्यूट करता है। शिव पटेल 5 मैच में 1 ही ओवर डाला है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं। राहुल दम्बल देखो 3 मैच में 5 ओवर डाले लेकिन विकेट सिर्फ 1 है, तो इसको अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग का पिक नहीं है। पार्थ आचार्य एक ट्रम्प पिक आपके लिए बन सकता है क्योंकि हर मैच में 2-2 ओवर इसने डाले हैं, लास्ट के जो यहाँ पर 3 मैच खेले हैं उसमें ये विकेट लेस जरूर आए लेकिन हर मैच में 2 ओवर डाले, और इससे पहले 11 T10 में 11 विकेट है 20 ओवर डाल के। जैन अभिदी की बात करूँ तो लास्ट के 6 मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला है, विकेट लेस है, बल्ले से यहाँ पर 6-6-22 नॉट आउट है। साहिल यासिर लास्ट के 3 मैच में बॉलिंग नहीं करवा रहा, उससे पहले 3 मैच में 1-1 ओवर डाला है, विकेट लेस है। उमर नवीद आज का पहला मैच खेल रहे हैं और बहुत अच्छे बॉलर हैं, अब तक 2 मैच खेले उसमें 5 विकेट ऑलरेडी निकाल चुका है, और अभिषेक का उतना खास रिकॉर्ड नहीं। यहाँ से आप पिक कर सकते हो मोहम्मद सुफियान, जैन असीफ, फैजान रहमान, इनके अलावा पार्थ आचार्य और नीचे से यहाँ पर उमर नवीद, बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स, अगर इनमें से कोई भी सेकंड मैच में खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के वो डालेंगे पार्थ आचार्य, फैजान रहमान, डेथ में आएंगे मोहम्मद सुफियान और दम्बल। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद करूंगा आपको मेहनत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं डेमो टीम की, तो भाइयों ये सिर्फ डेमो टीम है, फाइनल टीम और जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडो बल्गेरियन की टीम का क्योंकि उनका पहला मुकाबला है, तो फाइनल बैटिंग ऑर्डर और फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से आर मखदूमी को रखूँगा, बैटिंग सेक्शन से जेड असीफ, बी ताहिरी, एम सूफियान को रखूँगा, ऑलराउंडर सेक्शन से उमर नवीद, प्रकाश मिश्रा, गगनदीप सिंह, रोहित सिंह और माइक जोन्स को रखूँगा, और बॉलिंग सेक्शन से पी आचार्य और फैजान रहमान को रखूँगा, कैप्टन बख्तियार ताहिरी, वाइस कैप्टन प्रकाश मिश्रा। लेकिन फाइनल टीम कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। तो थैंक यू भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।